यशोमती मैया के नंदलाला। इतने वर्षों में स्वामी का ध्यान कभी भंग नहीं हुआ, क्या अचानक क्या हो गया इन्हें? स्वामी, महाराज, स्वामी, महाराज संभालिए अपने आप को। दरबार में वचन दे चुकी हूँ कि सबके समक्ष इन्हें लेके आओगी, किंतु स्थिति में ये होगा कैसे? महाराज, सान्हा, सान्हा, कान्हा, 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 रुक जा, रुक कहीं ना, बस बहुत हो गया भूल पे भूल, पर आज तो तूने सीमा ही पार कर दो। पहले मैया को फूल देके प्रसन्न कर तो है, और फिर ऐसी सतानी। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगो। आ मैया, चल भीतर, चल। वाह, क्या सखा है मेरे, मुझे अकेला छोड़ के चले गए सबके सब। कैसा ढीठ है रे तू, अभी भी दृष्टि बाहर की ओर है तेरी। धन्यवाद दाऊ, कम से कम आप तो हो मेरे साथ। बहुत पंख लग गए हैं ना पाँव में, चुपचाप बैठ और कान खोलकर मेरी बात सुन। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से, आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है? इतनी सी बात भी मैं समझाऊं तुझे? कान्हा, आज्ञा का अर्थ है जो बड़े कहें, और पालन यानी मानना।
किंतु जे बात तो इसके समझ में आती ना है ना जीजी। इसका मन तो बस शैतानी में लगता है। पर मैया। चुप चुप लल्ला, कुछ मत बोलियो और चुपचाप यहां बैठा रहे। जी देख, दशा देख अपनी। जी हाथ में मिट्टी लगो, मिट्टी खा रहा था। क्या कहेंगे सब कि जसोदा अपने लल्ला को खाने को ना देती है। कुल्ला कर। और आपके मुंह में ये मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी कोई खाने की वस्तु है भला? हाँ, और मैंने मना करने पर भी भाग गयो, और मैं पकड़ने आई तो भागने लगो। अब कछु बोलेगो भी कि चुप रहेगो? आप भी कछु बोलोगे इसको कि केवल मैं ही बुरी बनू? सुनाई दे रहा है कि ना? कछु बोलोगे आप कि ना? इससे पहले बाबा को मेरे कारण मैया का क्रोध सहना पड़े, मुझे तो कुछ करना ही पड़ोगो मैया। वैसे तो मुझे चुपचाप बैठ के आज्ञा पालन करना है, पर आप आज्ञा दे तो मैं आपसे क्षमा याचना कर लूं। वाह, पहले भूल पे भूल और फिर जे क्षमा याचना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। खाना क्षमा मांगने के लिए केस नहीं, कान पकड़ते हैं। वो भी दाएं हाथ से पाया कान, बाएं हाथ से दाया कान। आज तो कितने भी जतन कर ले लल्ला, मेरा क्रोध शांत ना होगा। हाँ नहीं तो बड़ी माँ, बाबा सहायता करो ना। दरबार में आप क्षमा कीजिए, हम आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। आज्ञा दीजिए। महाराज की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी से भेंट करें, और ना ही वे स्वयं किसी से भेंट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? जब तक छोटी मां ना कर तब तक तू ऐसे हिल भी नहीं सकता था ना, अब क्या करेगा तू?
क्या कर रहा है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल के बताना। ओहो दाऊ, इतना भी नहीं समझते? मैया ने चुपचाप बैठने की आज्ञा दी है ना, आज्ञा पालन कर रहा हूँ, कैसे बोलूं? कर, अच्छे से कर। फिर मुझे क्या संकेत दे रहा था ये तो बता। तनिक देख के बताओ ना दाऊ, भीतर क्या हो रो है? ना ना, तू मुझे भी फंसवा देगा। आप मेरे दाऊ हो ना, मेरे अच्छे वाले दाऊ हो ना, मेरे प्यारे वाले दाऊ हो ना, आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, पंच स्मरण रखना, कभी मैं फंसू तो तुझे भी मेरी सहायता करनी पड़ेगी। इतना क्रोध ठीक नहीं है यशोदा, अब शांत हो जाओ। बालक है वो, छोटी मोटी भूल तो करेगो ना। आप दोनों मुझे समझाने का प्रयास मत ही करो। छोटी माँ को मनाने को प्रयास हो रहे है। यशोदा, कितने वर्षों से लल्ला घर के बाहर ना गए, जब उसके सखा संसार के बारे में उसे भिन्न भिन्न बातें बताते होंगे, उसे नदी पहाड़ पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सब की कथाएं सुनाते होंगे, तो उसका भी तो कितना मन ललचाते होगा ना घर के बाहर जाने को। और जो बाहर जाके जो संकट में पड़ जाता है उसका क्या? इतने वर्षों से गोकुल में कोई अनहोनी कोई दुर्घटना ना घटी। यशोदा, मेरा तो यही मानना है कि अब हमें लल्ला को घर के भीतर और बंद ना रखना चाहिए। तुम्हें बाहर जाने देने की बात हो रही है? बाहर पांव धरते तो वो मिट्टी खाने लगो, और आप कह रहे हो बाहर जाने दो? यशोदा, कौतूहल के कारण खा ली होगी मिट्टी उसने। अरे जो बालक कभी बाहर ही ना गए हो, उसे क्या पता मिट्टी क्या होती है। यशोदा, माँ की ममता और मन की चिंता दोनों समझती हूँ मैं। मैंने भी तो बलराम को कितने समय तक घर में ही बंद करके रखा था, तब तुम ही ने समझाया था मुझे। बस अब वही बात तुम्हें समझनी है। मैं जानती हूँ तुम कान्हा की सुरक्षा चाहती हो, पर अब यही सुरक्षा उसके विकास में बाधा बन रही है। यशोदा, जब प्रतिबंध अधिक हो जाए तो बाल मन में उसे तोड़ने का भाव पनपने लगता है। हो सकता है कान्हा ने आज तुम्हारा वचन इसीलिए तोड़ा हो। तुम जानती हो कान्हा इतने प्रश्न क्यों करते हो? क्योंकि उसे उत्तर चाहिए, और उसके लिए उसका बाहर जाना, इस संसार को स्वयं अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। यशोदा, सब कुछ समझाने या बताने से नहीं समझता, स्वयं अनुभव करना पड़ता है, तभी हो पाता है संतान का संपूर्ण विकास। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा यशोदा, क्या अधिक आवश्यक क्या है। लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर सके, लल्ला स्वयं अपनी रक्षा कर या फिर सके, सदैव, या फिर सदैव तुम पर आश्रित रहे। उसका विकास अन्य बालकों की तरह सामान्य ढंग से हो, या फिर सदैव इस घर में रहे, सदैव इस घर में रहे तुम्हारे आंचल में छुपकर, तुम्हारे आंचल में छुपकर। क्या कर रहा है वो? चल। बहुत
बात मन है तेरा बाहर जाने का? बोल ना। तो तेरे बाबा और बड़ी माँ को लगतो है कि मुझे तुझे बाहर जाने देनो चाहिए, किंतु मैं बड़ी दुविधा में हूं लल्ला। इसीलिए मैंने निर्णय लियो है कि अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है मैया, शीघ्र बताओ ना क्या निर्णय है आपका। तू बाहर तो जा सकते है, पर एक वचन देना पड़ेगा। कैसा वचन? यही कि लल्ला केवल उतनी ही दूर जा सकता है जहां तक हम दोनों को एक दूसरे का स्वर सुनाई दे। यशोदा, स्वीकार है तो ही आज्ञा मिलेगी, ना तो ना। पर मैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका स्वर कहां तक सुनाई देता है? सुनो जी, आप तनिक बाहर जाके दिखाओ ताकि लल्ला को ठीक ठीक दूरी समझ आ जाए। जाओ ना। सुनाई दे रो है कि ना? हाँ हाँ, सुनाई दे रो है। और पीछे जाओ। और जाओ। अभी सुनाई दे रो है? हाँ हाँ, दे रो है। और जाओ। अभी सुनाई दे रो है? हाँ। हाँ हाँ, दे रो है। देख लो लल्ला, यहीं तक। ये बाहर जाना थोड़ी हुआ मैया, समझ गयो? हाँ, बस इतनी दूर जा सकता है तू। सुधा, परंतु इतनी दूर में बाहर जाना थोड़ी ना हो। अभी के लिए बस इतनी दूर जाने दूंगी मैं, स्वीकार ना हो तो बता दो। स्वीकार है। आप सबके स्वीकार करने से कछु ना होगो, जिसे आज्ञा चाहिए उसको स्वीकार करना पड़ेगो। इससे पहले कि मैया अपना मन बदल दे। बोल। स्वीकार है मैया, मुझे स्वीकार है। मुझे तो लगा था कि तू तो आज्ञा मिलते ही बाहर भाग जाएगो, पर तू तो यही बैठो है। मैया, आपने तो ही बैठने को बोला था ना, मैं तो आज्ञा पालन कर रहा हूँ। बहुत आज्ञाकारी होगा वे तो। आजा मैया के पास। यशोदा, आज रात अश्विन पूर्णिमा के जागरण के लिए मंदिर आ रही हो ना? अरे हाँ, मैं तो लल्ला के चक्कर में भूल ही गई। बाबा, रात्रि जागरण क्या होता है? हम पूरी रात जाग कर जब प्रभु का भजन करते हैं उसे जागरण कहते हैं। फिर तो मैं भी पूरी रात जाग के जागरण करूंगा। भैया, मैं मंदिर जा सकती हूँ? ना, बिल्कुल ना।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। यशोदा मान जाओ, तुम्हें ने तो कही कि जे वहां तक जा सकते है जहां तक इसे तुम्हारा स्वर सुनाई दे। आना मंदिर में हमारे साथ रहेगो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे स्वर की पहुंच में। सदैव ऐसे ही हट करके अपनी मन की करवाई लेते हो दोनों बाबा और लल्ला। लगता है मान गई मैया। मैं पहली बार मंदिर जाऊंगो। हाँ जाएगो। बलराम सुन, ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए। और तू सुन ले, यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे और तेरा बाहर जाना फिर से बंद। दोनों को समझ आई? अब मैं और वनी जी जाके अश्विन पूर्णिमा के लिए खीर बनाने जा रहे हैं। मैया अश्विन पूर्णिमा क्या होतो है? अब तो तू मंदिर चली रहो है ना काना? सदानंद पंडित जी से स्वयं पूछ लियो, पूरा पाठ पढ़ेंगे वो अश्विन पूर्णिमा का।